हेलो दोस्तों, ये है सैमसंग J6 प्लस। इसमें प्रॉब्लम है कि चार्जिंग या स्टोरेज दिक्कत है, ठीक है। इसमें चार्ज ले रहा है, लेकिन ये क्या है कि परसेंटेज जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे इस परसेंटेज को यानी बनाएं। ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन ये परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े हुए रहे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सही करते हैं। और मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो अब देख सकते हैं, सबसे पहले इस फोन को पहले हम खोल लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट हो जा रहा है, लेकिन ये स्टोरेज दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फोन को हम खोल लेते हैं। इस ग्रुप वगैरह जो है हम पहले ही से खोल के रखे हुए हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। तो इसमें सिम को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस मदरबोर्ड को निकाल लेना है। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ये जैक में जैसे वाटर डैमेज है कि क्या। तो आप देख सकते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये वाटर डैमेज है। जैसे ये जो चार्जिंग आई सी इधर भी वाटर डैमेज हमको लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें जैक को हम रिप्लेस करके देख लेते हैं, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब जैक को रिप्लेस करने से ये स्टोरेज वाला जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपको लगे कि वाटर डैमेज है या तो फिर जरा सा दिक्कत लग रहा है जैक में, तो उसको सबसे पहले हम रिप्लेस कर ले, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, रिप्लेस हम जैक को करने को जा रहे हैं। और इसका सही तरीका देखें कि कैसे ये इसको रिप्लेस करें जो माइक जो होता है साइड में वो ख़राब ना हो।